बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का रमज़ान मुबारक बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ अफ्तारी करने के लिए सीबीओ। आज के इस वीलॉग में अलग गैदरिंग होगी, आइए आपको उनसे मिलवाता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से अपनी 70 निकाल के जाना पड़ेगा कजाफी टाउन, फिर वहाँ पर मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। जी तो मैं कसाफी टाउन पहुंच गया हूं और यहां पर जहीर और फैसल मेरे इंतज़ार कर रहे थे। ये लफ्ज़ थोड़ा सा भी मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इंतज़ार तो सिर्फ फैसल ही कर रहा था, ये साहब अभी आए। सर मैं भी इंतज़ार कर रहा था, गाड़ी में बैठ के आपको नज़र नहीं आ रहा था। उस जगह पर जो है मैं नमाज़ पढ़ रहा था और जहीर साहब अभी आए, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं मलीर के लिए क्योंकि वहाँ से हमने जुनेद को पिक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीना वा इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आज हम जा रहे हैं सी व्यू बीच के ऊपर और आप सबको हम बहुत वेलकम करते हैं अपने साथ। हमारे साथ अटैच रहिएगा, नवीद शो को आज आप देखेंगे बाइक के बजाय कार शो में। थैंक यू। यस, अच्छा फैसल ने बताया तो मुझे पता चला कि सी व्यू जा रहे हैं, वरना अभी तक पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप रोजे में झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? अच्छा यार मज़े की बात बताऊं, मैं जब घर से निकले कसाफी टाउन पहुंचा, वहां पर सिर्फ मुझे फैसल नज़र आया ना। जहीर का मैंने पूछा तो इतनी देर में डायरेक्ट व्हाट्सअप पे नोटिफिकेशन के थ्रू एक मैसेज आया। मैंने जब वो सुना तो उसमें जहीर साहब कह रहे यार जल्दी करो, ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। घर बैठ के ये मैसेज पता है कहाँ से किया? घर से। वैसे यार हम लोग मुकामी लोग हैं, हमें कोई मसला नहीं, आप पहुँच आया करें, आप वेट करें, दो मिनट में आ जाइए, क्या मसला है? चले ये हुई ना बात, मतलब मान लो कि हाँ तुमने आज ये काम किया। आज हम जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं सीवी और आपको दिखाएंगे वहाँ अफ्तारी कैसे होती है बगैर प्लानिंग के, और बताएं कि कैसे मुफ्त के पेट्रोल में सफर करते हैं। अच्छा आज मेरे घर इसका ये इररेलेवेंट कंटेंट नहीं है, ये जहीर ने टू द पॉइंट बात की है कि बगैर पेट्रोल के बगैर खर्च किए जब आप लांडी से सीवी जाते हैं ना तो वो फीलिंग ही अलग होती है। यार बहुत मजाक कर रहे हैं यार तुम लोग, यू आर सो फनी गाइस। यार ऐसा फन हम नहीं करते, बिल्कुल सीरियस होकर कह रहे हैं, ये वाली फीलिंग ही अलग है। यार ये काट देना, फैसल के एम्प्लॉयर को पता ना चल जाए यार। कोई बात नहीं है यार, वो भी एम्प्लॉय है, कहीं देर ना हो जाए। भाई चल ले चल ले। ये देखो भाई ट्रेन के नीचे से हम गुजर रहे हैं। ट्रेन हमारे ऊपर गुजर गई लेकिन हम फिर भी बच गए। वो सुनते ना मेरे ऊपर ट्रेन चढ़ गई है, ट्रेन तो हमारे ऊपर चढ़ी है लेकिन हम फिर भी बच गए। फासला है बीच में। ओ साढ़े ये क्या है, वलीमे में जा रहे हैं? अभी भी इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर खोया हुआ है, खोया हुआ है कसम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनेद, वलीमे में जा रहे हो? नहीं यार लग तो यही रहा, आप दोबारा कर रहे हो अपना वलीमा तो फिर यार ऐसा लग रहा है जुनेद का वलीमा हो रहा है आज भाई, माशाल्लाह शूटिंग वूटिंग तैयार शेयर होके आया मैं। कैसे हो, ठीक हो, मजे में हो? बहुत मजे में, काफी दिन हो गए यार प्लांट पे ड्यूटी वगैरह करते करते, तो आज कल का रेस्ट लिया तो आज आप लोगों के साथ जा रहा हूँ, इसलिए ये शूटिंग वूटिंग। चले चले जी, गुड हो गया, गुड हो गया। बड़े टाइम बाद मुलाकात हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। चिकन समोसा नहीं है तो ये रोल मेरे को चार कर दो उसकी बजाय, फिर मैं पैसे और दे। चलो भाई फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद हमें कुछ समोसे मिले, ऐसा लग रहा था जैसे फ्री में बांट रहा हूँ। बहुत रश है यार, बहुत नहीं भाई, लिंक तो हम काम नहीं कर रहे थे लेकिन लिंक तो बन ही रहे थे। $5 वाला बंदा पकड़ लेते यार कुछ ना कुछ पैसे। अबे वो किधर गया, वो जो $500 पदरी $50 दे रहा था किधर गया? वो सारे गायब हो गए ना, साइड ही हमारी हट गई ऊपर टॉप से ना। कहाँ गई वो पैसे? नहीं नहीं सारे लिंक्स हमें क्या पड़े, तुमने कहाँ लिंक्स डाले? टाइम से पूछ लो, अभी भी रोजे में 50 मिनट है, रोजे के बाद भाई मुकर जाएंगे। बता भाई सच सच बताओ, पैसे कहाँ है और लिंक्स कहाँ कहाँ डाले?
भाई ये चोपर उस्तम निकले हैं, कोई 50-60 हजार डॉलर के क्वार्टर मिला था। पहले तो उसने शेयर किया हमारे साथ, लेकिन फिर ये पतली गली से निकल के खामोश हो गया। वो इसलिए कि इसने छुपा छुपा के साइड में लिंक डाल दी है। अबे 50-60 हजार डॉलर की बात नहीं हो रही है, 50-60 हजार पाकिस्तानी। वो बंदा था इंडियन, वो पतली गली से निकल गया। पूरी बता के 50-60 हजार पाकिस्तानी भी नहीं। अब ये मुकर रहे, अब 50-60 हजार की बजाय 50-60 रुपए कर दो। चलो यार वही बता दो, वो कहा है 50-60 रुपए? मतलब देखो मान लिया ना कि पैसे लिए इसने। डॉक्टर ईद का सूट सिलवा लिया यार, मैं जिस टेलर के पास गया ना देने के लिए, जिसको मैं देता हूँ एरिया में, उसके पास तो हाँ जगह ही नहीं थी। फिर मैंने कजन को एक सूट दे दिया, एक तो शादी में वही पहनूंगा। एक एक बार ही पहना ना मैंने, 6-25 हो गए भाई। भाई नहीं पहुंचते, 20 मिनट में आपका सूरज डूब जाएगा। इधर घुस रहा हुआ भाई, मुझे ज्यादा जल्दी है रोजा करने की। इस टाइम एक तो हर बंदा ना ऐसा जज्बाती वो होता है, खाने को भी दौड़ते हैं। और जी तो अफतारी के लिए हमारा प्लान आज सीव्यू जाने का था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से जो है वो हम सीव्यू अभी तक नहीं पहुंच पाए। अभी अफतारी में 5 से 2 मिनट रह गए, इसलिए हमने सोचा यही साइड पे कहीं पर अफतारी करते हैं। अल्लाह राजी की बिरयानी भी तो खानी है अभी तुम लोगों ने। कम तादाद में ले लेंगे, खा लेंगे। मंगा अफतारी वकड़ा वस्तलत मंगा मुस्कौ। यार जमात हो गई है, अपनी पढ़ लेंगे, पढ़े तो जमात हो गई है, लेकिन हम नमाज पढ़ लेंगे ना यार, फिर बाद में बर्डन हो जाता है, रह जाएगी फिर हमसे। अच्छा तो अफतारी करने के बाद तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं जामिया मस्जिद, यहाँ पर इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे और फिर देखते हैं, अगर सीव्यू जाने का मूड बना तो सीव्यू चले जाएंगे, अदरवाइज यहाँ से वापसी हम कर भी जा सकते हैं। लाइट होगी तो रोशनी होगी ना यार, इसमें भी देख। फाइनली जो है वो सीवी हम पहुंच चुके हैं और अभी आपने क्लॉक प्रोग्राम बढ़ गया। आए हाय हाय, देख ली समंदर हाजिरी भर ली भाई, चुने भी भर ली, पांच लगा दिया। नहीं वो आप पे बैठ लो, हम लोग करना चाह रहे थे सीयू पर अफतारी, लेकिन हो गया हमारे साथ प्रैंक और हमारा प्रोग्राम बढ़िया, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी कि हम जो है सीयू पर टाइमली नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमने रास्ते में ही कहीं पर बैठकर एक आम से दस्तरखान पर बैठकर अफ्तार की, और बड़ा मज़ा आया। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, इसी तरह जगहों पर जाके कभी कभार बैठ के अफ्तारी कर लिया करें, आपको सुकून मिलेगा। ये अफ्तारी के लिए दो समोसे हम लोगों ने आए थे, वो अभी हम नोश पर मारे हैं चाय के साथ। ये आप सामने देख सकते हैं क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर के सामने चार बैठ कर समोसे इंजॉय कर रहे हैं। क्लॉक टावर के सामने बैठ के अब हम सिर्फ चाय पर ही गुजारा कर सकते हैं। ये मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
यहाँ पर बैठने के बाद हमने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छी गपशप रही हमारी, और यहाँ पर हमने चाय भी नोश फरमाई। चाय पीने के बाद नमाज़ पढ़ी, और अब नमाज़ पढ़ने के बाद अब यहाँ से हम होने वाले हैं रुखसत। हो सकते हैं दरमियान में कहीं पर हम रुकें कुछ लाइट से डिनर करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी और भी लोग में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, और हाँ, हैवी शो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।